गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सीखेंगे। सेंटीमीटर टू मीटर की ओर चलेंगे और उसके लिए हमने कुछ सवाल लिया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में हम कब बदल पाएंगे? जब हमें सेंटीमीटर और मीटर के बीच संबंध पता होना चाहिए कि कैसे वे एक दूसरे के बराबर हैं। और आपको पता ही होगा कि जो 100 सेंटीमीटर है वह 1 मीटर के बराबर होता है। अगर यह आपको पता है तो आसानी से सेंटीमीटर को मीटर में आप बदल सकते हैं। चलिए सवाल पर चलते हैं और इसे हल करते हैं। आपको पता ही है क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसलिए हमें सबसे पहले 1 सेंटीमीटर निकालना होगा। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर जो है मीटर के 100वें हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, मतलब 1/100 मीटर के बराबर होगा। अब आते हैं सवाल पर। हमारे पास है अतः 132 सेंटीमीटर। तो 132 में हम 1/100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसका गुणा इसके साथ, तो 132/100। अब भाग देना है 100 का, तो आसान है। क्या करें, क्योंकि हर में 2 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो, तो हम 2 अंक छोड़ेंगे और लगाएंगे दशमलव यहां। मतलब हमें क्या मिला, 1.32 मीटर। 132 सेंटीमीटर 1.32 मीटर के बराबर होगा। यह हुआ पहला सवाल। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर, जहां हमें 14.3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर यह 1 मीटर के बराबर होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको 1 सेंटीमीटर निकालना होगा। ठीक है, तो यह बराबर हो जाएगा मीटर के 100वें हिस्से के बराबर। ठीक, या कहें 1 मीटर को हम अलग अलग 100 टुकड़ों में बांटें सेंटीमीटर में, और उसमें से 1 हिस्सा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब हमारे पास सवाल क्या है, उस पर आते हैं। सवाल है 14.3 सेंटीमीटर। चौदह दशमलव तीन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसमें 1/100 मीटर का गुणा कर लेते हैं, या इसके साथ गुणा, तो 14.3/100। अब दशमलव कहाँ आएगा, यह हमारे पास समस्या है। तो कोई समस्या नहीं है, देखिए 2 जीरो हैं, तो हम यहां से 2 अंक नहीं छोड़ेंगे। यह तो इकाई का हिस्सा है, इकाई यह है, पूर्ण इकाई यह है, तो 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़िए, और यह जो दशमलव है यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमें मिला क्या, 0.143 मीटर। ठीक है, यहाँ 0 लगा लीजिए, पहचानना आसान हो जाएगा। मतलब 14.3 सेंटीमीटर यह बराबर होगा 0.143 मीटर के। मतलब हमने क्या सीखा, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आसान शब्द में कहें 100 का हमें भाग करना है। कोई भी हमारे पास जो सेंटीमीटर में प्रश्न है उसमें अगर आप तुरंत 100 का भाग कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, तो वह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सवाल आप और लीजिए। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो वह भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।